भाई ये लो 2000 रुपए, मैं कपड़े ले रहा हूँ, तुम जब तक कार मंगा लो। भैया कपड़े ले आया मैं, तुम कार मंगवा लो। मोटे चाबी लेके जा और भैया की कार निकाल के ला। जा रहा हूँ जी। आज तो सेटिंग से कार में मिलने जाऊंगा, इम्प्रेशन अलग ही पड़ेगा। ये लो जी, इसके जैसी होगी, है ना, है ना? अबे यही है, पकड़। तो फिर ये चाबी किसकी लेके गया था? चाबी तो ये गोदाम की लेकर गया था, वो ऑफर के खिलौने गोदाम में ही रखे हैं ना। भाई ये गलत बात है तुम्हारी, गुमराह कर रहे हो तुम कस्टमर को। अरे दुकान का नाम ही गुमराह कलेक्शन है भाई, गुमराही तो करेंगे। ठंडी ठंडी हवा कूलरों से मिले, ठंडी ठंडी हवा। अरे भैया है क्या बाबूजी कूलर वाले? बाबूजी तो नहीं है भैया, लेबर आदमी है हम, हमसे ले लो, बाबूजी से सस्ता दे देंगे। दिखा फिर कोई बढ़िया सा कूलर। तो ये वाला ले जाओ बाबूजी, बेहतरीन कूलर शीतलहर मात्र 4000 रुपए का। 4000 तो ज्यादा है यार, कोई सस्ता सा दिखा। आ जाओ दूसरे पे नजर डलवा दूं। ये वाला देख ले, मात्र 2500, बेहतरीन कूलर। भैया ये भी महंगा 2500 में। हाँ फिर इससे सस्ता दिखाऊं, उसमें बिजली का भी खर्चा ना आने का तेरा। ये वाला देख, इसमें बिजली का खर्चा ही नहीं है क्योंकि इसमें मोटर ही नहीं है। बेहतरीन हवा मात्र 1000 रुपए। अबे जब इसमें मोटर ही नहीं है तो हवा कहाँ से आएगी इसकी? चेक कर हवा। हवा तो सही है लेकिन आ कहाँ से रही है? वो भी चेक कर। अबे ये कौन बैठा है इसमें? ये हमारा ही आदमी है भाई, बिजली का खर्चा नहीं आएगा, बस 2 टाइम की रोटी खाएगा और सुबह को चाय पापे। चल तो फिर यही पैक करा दे 1000 रुपए में, तो बढ़िया करवा पैक में लेके जा रहा हूं। करवाते हैं। अरे बाबूजी इनसे बीड़ी के मंडल को कह दियो कभी बाद में आना कानी करे। अरे बताओ मास्टर जी कितने का सी हो गए एक जोड़ी कुर्ता पजामा? भाई तुम अपने ही आदमी हो, ज्यादा ना काटो, 7000 रुपए दे दियो। मैं जाना कभी देखे 7000 रुपए। अरे मास्टर जी यार मेरा ये लोवर फट गया नीचे से सीधो, ऐसे कितने पैसे लोगे? ज्यादा ना 2000 रुपए दे देना। 2000 रुपए? वह मास्टर जी आटे में नमक खा कर रहे हैं, तुम तो पूरा नमक ही फांक रहे हो। वह कहाँ ले जाओगे इतना पैसा, किसे दोगे? अरे मैं किसी को नहीं देता पैसा, लेकिन हर महीने पता ना गोली दवाई में चले जाऊं, आधे कोर्ट कचहरी में चले जाऊं, हर महीने तो मेरे बीवी बच्चे बीमार पड़ जाएं। बताओ मास्टर जी नाजायज पैसे लोगे तो ऐसी जगह निकलेगा, जायज पैसे बताओ कितने पैसे में सीधोगे फटाफट लोवर? जायज तो फिर एक काम करो भाई, तुम ये सुई धागा ले जाओ, 20 रुपए दे दो, अम्मी से सिलवा लियो। ठीक है मास्टर जी, अम्मी से ही सिलवाएंगे हम, 2000 मांग रहे हैं जरा सी सिलाई के। जा जाइज में भले हो रहे हैं मेरे। आयो रे मां। ओए बेटर बोल। तमीज में बोलो भाई। 2 समोसे और 1 प्लेट दही बड़े लेके आ। अभी लेके आ रहा हूँ। ये लो भैया आपके 2 समोसे और आपके दही बड़े। ये तो फूट ही ना रहा, इसे मैं बताऊंगा आज दुकान वाले को। ओ भैया ये क्या बदतमीजी है, ये तेरे समोसे बिल्कुल बासी हुए पड़े हैं और ये तेरे बड़े ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल पत्थर से, फूट भी ना रहे। देखो भैया समोसे की तो मैं मान सकता हूँ, बेकार हुए पड़े हैं, इन्हें कुछ भी कह लो, लेकिन इन्हें कुछ भी मत कहना भाई। क्यों भाई इन्हें क्यों ना कहूँ कुछ? क्योंकि मेरे भाई ये बड़े, इन्हें कुछ मत कहो, इन्हें चुपचाप खा जाओ। अबे ये बड़े ये सड़े पड़े, तू ही खाई ना, मैं ना कर। अरे बड़े सॉरी। दीवान जी तुम्हें तो मिल गया काम यहाँ लकड़ी का, मुझे भी दिलवा दो कुटाई का। बाबूजी उस कमरे में बात कर लो उनसे जाकर। ठीक है ठीक है। बाबूजी है क्या? कौन है वे? चतुर पुटैया कोई मेला काम हो बाबूजी बताओ। अरे यार चतुर पुटैया तू लेट हो गया, बस एक ही काम था, ये पृथ्वी बनवानी थी और इसमें भी आज 10 दिन हो गए बन के ही ना दे रही। 10 दिन में पृथ्वी ना बन करी? ये तो 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में कैसे बना देगा भाई? पीक मार के, ये भी तो ऐसे मार रहे हैं छींटे छींटे से। अरे ये आपके पीक से नहीं बनेगा, आपकी पीक लाल है, ये नीले कलर की है। पीक लाल है तो इस वाली दीवार पर सूरज बना दूं बाबूजी। हट हट हट, चल साले यहां से, मेरी दीवार गंदी करेगा, भाग यहां से, बस करो काम। आयो रे मां।